हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? बहुत अच्छे हो कि बहुत बहुत अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। सॉरी बच्चों, कल मेरी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए कल के डेट पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप अंक की मात्रा से चंद्रबिंदु का पढ़ रहे थे, ठीक है? कैसे मात्रा ज्ञान होता है चंद्रबिंदु में, उसको कैसे पढ़ा जाता है आपने ये देखा था, कैसे उसे लिखा जाता है ये आप सीखे थे, ठीक है? आज हम लोग चित्रों की सहायता से कैसे चंद्रबिंदु को कौन से शब्द बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग चित्रों की सहायता से हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों? तो कल मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं डाल रही थी वीडियो, लेकिन कल का जो वीडियो है मैं उसको आज मैं दे रही हूँ, ठीक है? तो आप आज का डेट का और कल के डेट का यानी कि 10 का वो मैं दोनों वीडियो आपको दे रही हूँ, आप अच्छे से उसको डेट वाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो आप अपनी कॉपी ओपन कीजिए। एज यूजुअल आपको डेट लगाना है, आपको पता है, तो डेट लगाने के लिए आप पहले कॉपी रख लीजिए, साइड में कर लीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है? और सबसे पहले मैं चित्रों की सहायता से आपको मैं बताती हूँ इसको क्या बोला जाता है, चंद्रबिंदु कहाँ यूज होता है, ठीक है बच्चों? तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास एक पेपर है, ठीक है? यहाँ पे मात्रा ज्ञान लिखा हुआ है, लिखी हुई है ना मात्रा ज्ञान। अब इस मात्रा ज्ञान में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, अंक की मात्रा। ये अंग में क्या है, आपको चंद्रबिंदु दिया हुआ है ना, और उसका चंद्रबिंदु कहाँ है, यहाँ साइड में है, दिख रहा है? ऐसे चांद बनी हुई है और ऊपर डॉट है, यानी कि केस को क्या बोला जाता है, चंद्र बिंदु। क्या बोला जाता है, बोलिए, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, चंद्र बिंदु। वेरी गुड। तो आपने लिखा है कैसे मात्रा ज्ञान में चंद्रबिंदु का यूज होता है, कापी कैसे चंद्रबिंदु लगा है, चा पे लगा है, ठीक है, टा पे लगी हुई है चंद्रबिंदु, ता पे लगी है और पा पे लगी है, ठीक है? तो इस तरह से चंद्रबिंदु को आप डाल करके पढ़ना सीखे हो, लिखना सीखे हो। अब इसी के थ्रू हम लोग आपको शब्द देखते हैं। अब ये क्या है, ये है, आप देख रहे हो, कैमल है। क्या है ये? कैमल। तो कैमल को क्या बोलते हैं, ऊंट। क्या बोलते हैं, ऊंट। अब देखो, ऊंट, ऊं, आप ऊंट नहीं बोल रहे, ऊंट, ऊंट बोल रहे हो, तो क्या हो रहा है, नाक हल्का सा टच हो रहा है, ऊंट। आई बात समझ में, क्या बोल रहे हो, ऊंट। जब आपको बोला जाएगा ऊंट लिखो, ऊंट, तो आप क्या करोगे, तुरंत चंद्रबिंदु लगा दोगे। जहां नाक टच हुआ मतलब समझ जाओ कि आपको चंद्रबिंदु का यूज है। और जैसे बंदर, झंडा, ठीक है, तिरंगा, तो अंगा, अंगा बोलती हूँ तो वो अंगा ही है, ठीक है, आ का है निशान, ठीक है, अंग आ, तो अंगूर तो वो अंग है। ये क्या है, इसमें ऊंट, नाक टच होगा, ऊंट, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, आपको चंद्रबिंदु का है, ठीक है बच्चों? तो आप देख सकते हो ये क्या है, ऊंट। अब नेक्स्ट पिक्चर हम लोग देखते हैं, ये क्या है, चांद। चांद क्या, ये चांद, तो बोलो मेरे साथ साथ, चा चा अदा, चांद, चांद, नाक टच हो रहा हल्का सा, चांद, तो ऊंट, चांद। तो आप समझ जाओगे कि इसमें अंगा नहीं हो रहा, जैसे अंगूर बोलते थे, बंदर तो अंग का उच्चारण होते थे, यहां पर आप ऊंट, चांद मतलब क्या है ये, मून, ठीक है? तो इस तरह से बोलेंगे तो आप समझ जाना कि ये क्या है, चंद्रबिंदु का है। क्या है, चंद्रबिंदु का। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, सांप। सांप, सांप पे क्या है, चंद्रबिंदु है, पा, सांप, क्या है ये, सांप, सांप नहीं है, सांप, ये क्या है, सांप, सांप। तो हल्का सा नाक, नोज जो आपका होता है ये टच होता है, जब आप बोलते हो तो वहां से आवाज आती है, सांप, यानी कि स्नेक, ठीक है, ये है सांप। अब ये क्या है, पैर। पैर तो आप बोलते हो, लेकिन और क्या है इसको लिखा हुआ है, पांव। पांव, वाह, पांव, पाव नहीं, पाव मतलब ब्रेड हो जाता है, ठीक है, ब्रेड। ये क्या है, पाव। क्या है, पा, पा, व, पाव, ठीक है। आवाज सुनकर के आप समझ जाओगे कि ये चंद्रबिंदु का उच्चारण है, ठीक है। ये क्या है, पाव, पाव, सांप, पाव, ठीक है। नेक्स्ट देखती हूं, ये क्या है, अ, अंग, गु, ठीक, अंगूठी। अब यहां पर अंग है, ठीक है, अंगूठी, अंग, गु, ठा में बड़ी हुई, अंगूठी, अंगूठी दिख रहा है, अंगूठी। ये क्या है, बांसुरी। बापी क्या है,
चंद्रबिंदु है, सा पे छोटी है, रा पे बड़ी है। बांसुरी 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 बा, बोलो मेरे साथ साथ बांसुरी। यस बांसुरी। तो बच्चों इस तरह से आप कितने सारे पिक्चर देख लिए हो, एक बार फिर से देख लो। ऊंट, चांद, सांप, पांव, अंगूठी और बांसुरी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पिक्चर देखा है। हम लोग और सारे शब्द आपके ब्लैक बोर्ड में मैं लिख दी हूं, हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब ब्लैक बोर्ड में देखते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी कॉपी ओपन करनी पड़ेगी। कॉपी ओपन कीजिए, सिलेबस लगाइए, आज की डेट लगाइए 1/10/2012/2020। ठीक है, क्या है अंग, क्या पढ़े हो आप, अंग, और ये है उसकी मात्रा, ये चंद्रबिंदु वाली। ठीक है, तो उसमें हम लास्ट क्या पढ़ेंगे, शब्द क्या, यानी कि शब्दों के द्वारा चित्र की सहायता से हम लोग शब्द जानते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये है सत्यान, क्या है अंग का, और ये अंग की मात्रा। और मैंने आप पहला जो आप फोटो में देख चुके हो, मैं उसी को यहाँ लिखवाई हूँ। फर्स्ट नंबर में क्या है, ऊं, ये क्या है आपको बड़ी ऊं है, और ये ऊं बिंदु है डा ऊं, चा पे आ का मात्रा चा, और बिंदु लगा के क्या हो गया चांद, चांद, और द चांद क्या हो गया चांद, चांद मतलब आपको पता है ना। सा पे आ का मात्रा और चंद्रबिंदु वा, क्या हो गया सांप, यानी कि स्नेक। ठीक है, सांप। फोर्थ नंबर में क्या है, पा में आ का मात्रा पा, और चंद्रबिंदु लगा दिए तो पा, ऐसे पा में आ का मात्रा क्या हो गया पा, और चंद्रबिंदु लगा दिए तो क्या हो गया पा, पांव, क्या हो गया पांव। अब ये क्या है आपका अ, लेकिन चंद्रबिंदु है बिंदु, गा पे बड़ी हूं ठीक, अंगूठी, तो जो आप चित्र की सहायता से देखते हो वही मैंने यहां भी लिखा है। ठीक है, कुछ शब्द एक्स्ट्रा मैं लिखी हूँ, ठीक है, वो भी आपके बुक से ही है रिलेटेड, और या फिर आपको पढ़ना है मैंने वो लिखा है। ठीक है, कम से कम आप पूरा 12 नहीं याद कर सकते, तो 10 तो याद कर सकते हो, 5 तो याद कर सकते हो, तो जितना ज्यादा आप याद करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अंगूठी, अंगूठी मतलब जो आप फिंगर, मैं यहाँ पे अंगूठी पहनते हो ना रिंग, उसको क्या बोला जाता है अंगूठी। सिक्स नंबर में क्या है आपके बां, बांसुरी, ठीक है, क्या बां, बां नहीं बां, नाम का मस्तक होता है बां, बांसुरी। ठीक है, फास्ट बोर्डर बिल्कुल छोटी हो रहा है। ठीक है, बांसुरी। सेवन नंबर में क्या है आपका दांत, ये क्या है आपकी दांत है, इसे क्या बोलते हैं दांत। ठीक है, ये है दांत। ठीक है, एक नंबर में क्या है आपके, आपके अगर नीचे में से बच्चे हो तो आप नीचे ही लिखना, मेरी तरफ बगल में लिखना। ठीक है, अगर नीचे में आपकी जगह नहीं है, मेरे पास नीचे में जगह नहीं है, इसीलिए मैं कहा लिखू यहाँ लिखना, आपके पास जब तक नीचे में जगह होगी आप नीचे बॉटम तक लिखना। ठीक है, लाइन बनेगी तो एक लाइन, यानी तो वन वन लाइन लीव करके आपको बॉटम तक लिखनी है। उसके बाद अगर आपके पास स्पेस नहीं है साइड लिखना है, तो आप कम से कम एटलीस्ट 3 फिंगर आप छोड़ो, उसके बाद आप नंबर देंगे स्ट्रेट वाइज। ठीक है, आपको डाउन आप लिख द लाइन करके आप लिखते जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर हो जाएगी। अगर आप इसमें स्पेस नहीं दोगे, किसी फिंगर करके नहीं लिखोगे दूर, तो फिर वो सारे सड़ जाएंगे, और इस तरह से आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी बहुत ही गलत दिखाई देगी। ओके बच्चों, तो फिर एक नंबर में क्या है आपके का में आ का मात्रा का, और चंद्र में क्या हो गया काम, टा में आ का मात्रा टा, कांटा, क्या काम, काम, कांटा, जो फोन होता है ना गुलाब में रहता है ना कांटा, वो है कांटा। ठीक है, जो पिन लग जाता है कांटा। ठीक है, तो ये काम मेरे साथ से बोलो काम टा कांटा। नाइन नंबर में क्या है आम, क्या है आम, ऐसे क्या बोलते थे आप, आ अभी क्या बोल रहे हैं आम, तो आवाज लगा आम, और आम ही डिफरेंट है, तो आम खा क्या हो गया आम, तो आप बोलते ही आप समझते हैं नोज टच हो रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पर आपके चंद्रबिंदु है, तो आप समझ जाओगे कि ओ मैं भी आप बोला है, यानी कि नोज टच
क्या है, चतुर्भुज बिंदु वाली सब है, तो आप उसको इजीली डिक्टेशन में आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखोगे ना, वेल टेन नंबर लिख क्या है, पानी बड़ी की मात्रा चंद्रबिंदु छ, ये क्या हो गया आपके पूंछ, क्या हो गया पूंछ, इसको मैं और थोड़ा लंबा कर दे रही हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पूंछ, पानी बड़ी हो चंद्रबिंदु पू 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 नहीं पू अलग है पू पू और छ, क्या हो गया पूंछ, पूंछ मतलब टेल। ठीक है, पूंछ। अलग क्या है, टांगा टांग टांगा टांगा टांगा, जैसे घोड़ा काट है ना वैसे घोड़े का रहता है। ठीक है, तो टांगा है। ठीक है, ये क्या है टांगा। ठीक है, तो टांगा इंग्लिश में भी बोलते हैं टांगा, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो टांगा, चाहे पढ़ लिए हो गए टांगा पढ़। ठीक है, ये क्या है टांगा, क्या है टांगा। ठीक है, जैसे बुलेट कार्ट होते हैं ना बैलगाड़ी, जस्ट लाइक वैसे ही होते हैं। ठीक है, वो हॉर्स वाले होते हैं, तो इसको बोला जाता है टांगा, इसको हॉर्स चलाते हैं। ठीक है, और ये क्या है ट्वेल्व नंबर में बांस, क्या है बांस, बांस बामी हाँ का मात्रा और उसमें चंद्रबिंदु सा, क्या हो गया बांस, बांस मतलब होता है बैम्बू, बैम्बू मतलब क्या होता है बांस, बैम्बू मतलब क्या होता है बांस। तो बच्चों इस तरह से आपने बहुत सारे शब्दांश सिखाए, कुछ चित्रों की सहायता से सिखाए और आपको चित्रों के अलावा भी सिखाए, तो आपको उसको बहुत अच्छी तरह से क्लास वर्क और होमवर्क यानी कि आपको हमेशा दो करना है, एक क्लास वर्क का डेट लगा के करनी है और दूसरा होमवर्क का डेट लगा के करनी है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल टेंथ का 10/12/2020 यानी कि 10 तारीख का होमवर्क आपको आज के दिन नहीं करना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए, और आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा है, लेंदी है और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए आपको डेली क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे वीडियो मिले हैं, बहुत ही सारे, बहुत अच्छी तरह से बच्चे ने इंग्लिश की रीडिंग की है, पोयम पढ़ा है बिना देखे, बहुत अच्छे से वीडियो बनाए हैं, हिंदी की रीडिंग की है, जंगल में मंगल, बहुत सारे बच्चे मुझे वीडियो भेजे हैं और उन सारे बच्चों के लिए मैं आज फिर से क्लैपिंग करती हूँ। वेल डन बच्चों, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।